जैन और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर पे ही हैं और दो टाइम खाना खाने के अलावा हमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी भूख लगती है। उसके लिए कुछ चटपटा टेस्टी करारा खाना नाश्ता पसंद करते हैं। मैं आज वही ऐसा कुरकुरे जैसा नाश्ता लेके आई हूँ। ये है मकाई के पोहे। आसानी से किराना स्टोर पे मिल जाते हैं, ये इस तरह से आते हैं। आज हम उसी का कुरकुरा मकाई पोहा बनाने वाले हैं। बहुत ही झटपट, बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है। सबसे पहले हमें इसे छान लेना है ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज हो वो निकल जाए। हल्के हाथों से इसे इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए, पोहे सारे छान के और साफ करके तैयार है। पोहे में डालने के लिए एक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए मैं आधा किलो पोहा का कुरकुरा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है, नमक 1 टेबलस्पून और काला नमक 1 टेबलस्पून। इससे थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। मसाला मैंने अच्छे से पीस दिया है। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी मसाला बना सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो जैन पेरी पेरी मसाला, जैन मैगी मसाला मैंने ऑलरेडी रेसिपी अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो डाल के आप बच्चों को देंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और बाहर के जो हम पैकेट्स लेते थे वो लेना ही बंद हो जाएगा। मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। हमें तेज आंच पे ही अच्छे से गर्म करना है, तेल को धुआं निकले वैसा। फिर इस तरह वाली छन्नी लेंगे। हमें कॉर्न पोहे को, ये मकाई के पोहे को इसी तरह से करना है। इस तरह से इसमें रख के तेज आंच पे ही हमें ये पोहे डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, इस तरह से रेडी हो जाते हैं। अच्छे से तेल को हम इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। एक दूसरा बैच भी मैं तल के दिखाती हूँ। बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही इजी है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, मेन पॉइंट वही है। ये देखिए, तुरंत ही फूल के डबल हो जाते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा तेल में ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को इसी तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से एक बोल में निकाल लेंगे। इस तरह से दो दो बैच निकाल के हम इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए मसाला। करीबन 1 टेबलस्पून जितना हम दो बैच में डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। हमारे कुरकुरे मकाई पोहे बनके तैयार है। 5 ही मिनट में ठंडे हो जाते हैं और फिर आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। जब जी चाहे कुरकुरापन आपके लिए हाजिर है। मसाला आपको जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जरूर से ट्राई कीजिएगा। देखिए, बनके तैयार है कुरकुरे मकाई के पोहे। ये 1/2 किलो का मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो गई है। हमारे घर में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है।
कटोरी भर के दिन भर खाते ही रहते हैं, आप भी अपना मन चाहा मसाला बना के इसे बना सकते हैं घर पे, जरूर से ट्राई कीजिएगा।